गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पी एन डायोड। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, मींस द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन वी एंड आई फॉर अ पी एन डायोड। एज वी नो द वोल्टेज द पी एन जंक्शन डायोड वर्क्स ऑन three connections, or we can say three arrangements. First one is forward bias and second one is reverse bias. So firstly we will see forward characteristics, then we will come to reverse characteristic. So what is forward characteristics? The voltage and current graph when the PN diode is connected in forward bias arrangement is called its forward bias characteristics. All right. So firstly, we have to connect a PN diode in forward arrangement. तो सबसे पहले एक देख लेते हैं, मैं forward bias characteristics को discuss करूंगा यहाँ पे। ये एक पीएन डायोड हो गया, ठीक है। इस पीएन डायोड को हमें पॉजिटिव को जोड़ना है, पी को जोड़ना है पॉजिटिव से। तो देखिए, इसको यहां हम जोड़ रहे हैं एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से, या फिर कह ले एक रिहोस्टेट जैसे एक डिवाइस होता है। ये हम यहां पे वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं एक पावर सप्लाई से, और पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से वोल्टेज। देखिए ये एक अरेंजमेंट है, ये एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये स्विच ओपन कंडीशन में है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, एक सप्लाई। इस पीएन डायोड को हमने एक अमीटर भी जोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है, छोटी वैल्यू नापने के लिए एक अमीटर। ये हमने एक डायोड को, पीएन डायोड को पॉजिटिव से पी को जोड़ा हुआ है, ये होता है हमारा पी, दिस वन इज एन, इसको जोड़ा है। चूंकि रेंज होती है फॉरवर्ड बायस करंट हमेशा मिलीमीटर रेंज की होती है, छोटी करंट होती है मिलीमीटर, तो ये एक मिलीमीटर है, ठीक है। अब हमको पता है पॉजिटिव जुड़ रहा है पी से, निगेटिव जुड़ रहा है एन से, ये है कि हम इसको वेरी कर सकते हैं इस वोल्टेज को, इसलिए ये एरो बनाया गया। ये सिंबल है एक वोल्टेज डिवाइडर का, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है ना, कि अलग अलग हम वैल्यू का वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वोल्टेज नापने के लिए अभी कोई अरेंजमेंट नहीं लगा है, अभी केवल करंट नापने के लिए लगा है। तो हमने क्या किया, हमको पीएन डायोड के पैरल अक्रॉस जो देखना है वोल्टेज कितना है, तो पीएन डायोड के पैरल हमने एक वोल्टमीटर जोड़ दिया यहाँ पे। तो पीएन डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ये हम इस वोल्टमीटर से नाप सकते हैं। अब पॉजिटिव टर्मिनल, चूंकि इधर पॉजिटिव है, तो इधर वोल्टेज का पॉजिटिव, इधर वोल्टेज का निगेटिव, करंट ऊपर से नीचे यहाँ से ऐसे होके चलेगी पी से एन, फिर ऐसे, तो हियर दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी निगेटिव। सो इट इज ऑल अबाउट आवर अरेंजमेंट। ये तो सर्किट हो गया। हम ये पाते हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, तो अगर हम दो तरह के हमने क्रिस्टल्स पढ़े थे, सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड, है ना। तो सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड, हमने ये देखा था कि एक निश्चित वोल्टेज रहता है पीएन डायोड में, जिस तक कोई भी फॉरवर्ड करंट नहीं होती, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, यानी बैरियर को ओवरकम करने के लिए एक मिनिमम वोल्टेज जो वीबी आया था बैरियर पोटेंशियल, उससे बड़ा पोटेंशियल लगाना पड़ता है। तो सिलिकॉन डायोड का जो बेस होता है, मान लीजिए सिलिकॉन क्रिस्टल का इस्तेमाल करके हमने एक सिलिकॉन डायोड बनाया, ठीक है, उसके थ्रू हमने अब यहाँ पे स्टडी करना शुरू किया, तो हमको ये पता है कि 0.7 वोल्ट उसका बैरियर पोटेंशियल होता है, यानी 0.7 वोल्ट तक हमारे सर्किट में कोई भी करंट नहीं बहेगी। 0.7 वोल्ट से जैसे ही हम थोड़ा वोल्ट बढ़ाना शुरू करते हैं, वैसे ही करंट फ्लो होना शुरू करती है और तेजी से करंट इंक्रीज होती चली जाती है।
ठीक है। तो 0.7 वोल्ट इज अवर वी कैन से कट इन वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी पहले उसको देख लेते हैं। ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, पॉजिटिव निगेटिव ग्राफ करंट और वोल्टेज का बनाना है। तो हमने क्योंकि वोल्टेज हम पॉजिटिव लगा रहे हैं, बदले में करंट भी पॉजिटिव ही मिल रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बोथ आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एंड वाई। ये ऊपर करंट है जिसको हम फॉरवर्ड करंट नाम देंगे, ठीक है। और ये नीचे क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज, इसको आप इनपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं, इसको हम फॉरवर्ड बायस भी कह सकते हैं, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब देखिए जैसे ही शुरुआत में छोटे वोल्टेजेस के लिए करंट जीरो रहेगी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो पहले शुरुआत में जीरो, लेकिन एक निश्चित छोटा वोल्टेज रहता है वहां तक करंट नील एकदम जीरो, ठीक है। लेकिन वहां जैसे ही अचीव किया फिर वो करंट की वैल्यू तेजी से इंक्रीज करती है और स्ट्रिक्टली इंक्रीज करती चली जाती है, ठीक है। सो दिस वोल्टेज फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग, इस छोटे से वोल्टेज को कहते हैं जहां से बढ़ना शुरू हुई, इसको क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं कट इन वोल्टेज, या क्या नाम देते हैं, कट इन वोल्टेज, या इसको एक नाम और देते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या इसको एक नाम और दे देते हैं नी वोल्टेज, के एन डबल ई, नी वोल्टेज भी कह देते हैं इसको, ठीक है। तो ये है हमारी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा बिहेव हमेशा एक पीएन डायोड शो करता है। फॉर सिलिकन इसको नी वोल्टेज भी कह सकते हैं, के एन डबल ई, सॉरी नी वोल्टेज, ये भी इसका एक नाम होता है जितने पे कंडक्ट करना शुरू करे। अब हमको पता है कि यहां पे अगर हम इसका स्लोप लें तो ये वेरिएशन, ये जो ये वेरिएशन आया इट इज डेल्टा वी, और ये जो वेरिएशन आया करंट का इट इज डेल्टा आई, चेंज इन करंट यहां से यहां तक डेल्टा आई। अगर मैं आपसे कहूं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई निकालिए, सो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई इज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ करंट, स्मॉल वोल्टेज वेरिएशन में करंट कितना वोल्टेज हुआ, इट इज कॉल्ड आर स्मॉल डी। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड कहते हैं, ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये फॉरवर्ड करंट है, हमने जो प्रैक्टिकली देखा हम ये पाते हैं कि फॉरवर्ड करंट की जो रेंज है वो मिली एम्पियर रेंज की होती है, और वोल्टेज हमेशा किस में, वोल्ट्स में होता है। छोटे छोटे वोल्टेज के वेरिएशन शुरू में करिए, देखिए करंट जीरो है फिर एकदम से इंक्रीज करना शुरू होता, ठीक है। सो दिस वन इज योर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ नी वोल्टेज फॉर, यहां लिख लेते हैं नी वोल्टेज फॉर, पहला है सिलिकन के लिए कितना होता है 0.7 वोल्ट, फॉर जर्मेनियम डायोड अगर है, जर्मेनियम से बना हुआ डायोड, तो उसके लिए नी वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट्स। तो ये हमेशा याद रखिएगा। नाउ सेकंड इज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो व्हाट इज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्वियसली द डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायसिंग, ठीक है। इस बार हम डायोड को कैसा कनेक्ट करने वाले हैं, रिवर्स बायसिंग में। देखिए कैसे होगा, पहले हम फिगर देख लेते हैं। ये हमारा डायोड हो गया, डायोड को सप्लाई से जोड़ना है, वेरिएबल सप्लाई, वही चीज बनाना है,
वेरिएबल सप्लाई है, इसको पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, रियोस्टेट भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे करंट नापने के लिए अमीटर लगाया था, वैसे ही यहाँ अमीटर लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक बैटरी जोड़नी है और यहाँ एक स्विच। जब हम अभी की कंडीशन में स्विच ओपन रखें, जब रीडिंग लेना है तो स्विच क्लोज। अब देखिए यहाँ पे क्या वेरिएशन है पिछले वाले से। ये जो अमीटर लगा है, इट इज़ नॉट मिली अमीटर, ये माइक्रो अमीटर है, म्यू ए। क्या है? एक माइक्रो अमीटर, क्योंकि ये बहुत छोटी रेंज नाप सकता है, 10^-6 एम्पियर रेंज की। ये पी है, ये एन है। ये एक रिहोस्टेट या पोटेंशियोमीटर को शो करता है वेरिएबल पावर सप्लाई देने के लिए। बैटरी लगानी है ना, इस बार रिवर्स बायसिंग जोड़नी है, यानी पी को निगेटिव से जोड़ना है और एन को पॉजिटिव से। सो निगेटिव शुड बी कनेक्टेड विथ पी एंड पॉजिटिव विथ दिस, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब ऐसा करते ही इसमें जो करंट बहेगी वो मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण नहीं बह सकती है, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण बहेगी, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप वाला जो रीजन है उसके इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप वाले रीजन के होल्स असल में माइनॉरिटी हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं किसके कारण? एक्सिलरेट होते हैं जब उनको एडिशनल यहाँ से कुछ एक पुश मिलता है, बहुत संख्या में कम है लेकिन एक्सिलरेट करते हैं, और वो यहाँ पे टकराते हैं बगल के एटम्स से, और ये एटम्स से जो फ्री एटम्स अभी वहाँ पे हैं उनसे टकरा के उनके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हैं क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और इस तरह से क्वांटिटी में तो वो कम हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी कैरियर हैं, लेकिन वो कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ऑब्वियसली करंट की दिशा क्या होगी? एन से पी की तरफ, यानी इस बार करंट फॉरवर्ड करंट की डायरेक्शन की अपोजिट रहने वाली है, ठीक है। और इन करंट की दिशा के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मिलीमीटर का साइन बनाना है माइक्रोमीटर का, किधर से किधर जोड़ें। तो चूंकि इधर से इधर जा रही है तो पॉजिटिव से निगेटिव करंट चलती है, तो नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव, ठीक है। ये कौन सी करंट इसमें फ्लो करती है? इसमें फ्लो करती है रिवर्स करंट, या जिसको हम कह सकते हैं माइनॉरिटी करंट। कौन सी करंट? माइनॉरिटी करंट। अब वोल्टेज भी तो नापना है, तो इसके पैरेलल में वोल्टमीटर जैसे जोड़ा था वैसे ही जोड़ दीजिए, बट दिस टाइम सिंस इट इज कनेक्टेड टू माइनस हियर एंड पॉजिटिव हियर, सो वी विल कनेक्टेड लाइकवाइज, ठीक है। ऐसा हो गया, ये हमारा एक स्विच है, ठीक है, ये हमारी सप्लाई है। अब देखिए इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैसी होगी, क्योंकि वोल्टेज हमने निगेटिव लगाया है ना, तो वोल्टेज भी निगेटिव और करंट भी उल्टी बही है, तो करंट के लिए भी निगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा, ठीक है, दोनों माइनस एक्स और माइनस वाई एक्सिस। दिस इज अवर रिवर्स वोल्टेज, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रिवर्स करंट और माइनॉरिटी करंट, रिवर्स करंट, और इसी को एक और नाम दे देते हैं माइनॉरिटी करंट। इसकी रेंज क्या थी? माइक्रो एम्पियर्स में, यानी 10^-6 एम्पियर रेंज की। हम ये पाते हैं कि शुरुआत में देखिए, जब पी टाइप क्रिस्टल में माइनॉरिटी की संख्या कितनी होती है? 1,000,000 पे कोई 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1,000,000 होल्स पे 10 इलेक्ट्रॉन, बहुत कम संख्या, क्योंकि फ्री चार्ज कैरियर माइनॉरिटी वाले हैं और वो संख्या में कम है, तो करंट की वैल्यू भी बहुत कम होगी। छोटे छोटे वोल्टेज अब आप यहां से बढ़ाते जाइए, तो वोल्टेज बढ़ाने के साथ ये मान लीजिए 0 है, इसी तरह हमने इसको ले लिया -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट, या इस तरह के और भी 30, 40, 50 तक भी हो सकते हैं अलग अलग कंडीशंस पे। छोटे छोटे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू, जैसे इसमें 0.5 माइक्रो एम्पियर,
1.0 माइक्रोएम्पियर, 1.5 माइक्रोएम्पियर, 2.0 माइक्रोएम्पियर, 2.5, ये देख रहे हैं बहुत छोटी छोटी करंट है और भी बढ़ती जा रही है। तो वोल्टेज धीरे धीरे जब हम रिवर्स वोल्टेज अपना इंक्रीज करते हैं तो पाते हैं कि करंट में कुछ खास परिवर्तन नहीं आ रहा है, करंट की वैल्यू 0.5 माइक्रोएम्पियर के आसपास ही बनी हुई है, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो यहाँ के माइनॉरिटी कैरियर्स को यानी इलेक्ट्रॉन्स को आप एनर्जी दे रहे हैं एक्सेलरेट करने के लिए, वो एक्सेलरेट ज़्यादा होंगे तो अगल बगल के एटम्स से भी टकराएंगे और बैरियर को क्रॉस करेंगे और एन टाइप साइड के मटेरियल से भी टकरा के वहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे और यहाँ पे वो होल्स को रिलीज करेंगे यानी होल क्रिएट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकले तो उन्होंने उन्हें फर्दर इस वोल्टेज ने एक्सेलरेट किया, उन्होंने और इलेक्ट्रॉन निकाले यानी पी टाइप में, और चूंकि इधर तो निगेटिव लगा इधर पॉजिटिव तो ये फॉरवर्ड तो काम कर नहीं सकता, बैरियर तो चौड़ा ही रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी कैरियर निकलने लगेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में माइनॉरिटी कैरियर पी टाइप और एन टाइप में हो जाएंगे और उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट यानी माइनॉरिटी कैरियर ज़्यादा निकल गए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी कैरियर एंड साइड जाएंगे और यहाँ के माइनॉरिटी कैरियर इधर आएंगे, यानी पी साइड से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और एन साइड से होल्स इधर आएंगे और इस तरह बहुत ज़्यादा करंट अचानक से बहने लग जाएगी सर्किट में माइनॉरिटी यानी उल्टी वाली, और देखिए अचानक से बढ़ने लग गई। तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे जिस पे अचानक से करंट तेजी से इंक्रीज करने लग जाए, पहले जीरो के आसपास मंडरा रहा था करंट लेकिन अचानक से बढ़ने लग गया और बहुत तेजी से बढ़ गया, इस पर्टिकुलर वोल्टेज को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या वोल्टेज है ये? ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। तो ये एक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है कि शुरू में करंट जीरो या उसके आसपास और एकदम से करंट का इंक्रीमेंट, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जो हो रहा है इसी को कहते हैं ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ डायोड, ठीक है। तो ये थी हमारी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। इसमें करंट माइक्रो एम्पियर रेंज की होती है, बहुत छोटी करंट होती है। नाउ कंबाइनिंग दीज टू वी विल गेट द कंप्लीट फॉरवर्ड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करने को आपसे कहूँ कि एक साथ अगर बनाना हो किसी डायोड की कैरेक्टरिस्टिक पीएन डायोड की, तो फॉरवर्ड के लिए आप मिली एम्पियर रेंज रखिए जो फॉरवर्ड करंट हो, रिवर्स के लिए ये नीचे वाला इट इज व्हाट रिवर्स करंट, दिस रेंज इज माइक्रो एम्पियर्स, हियर इट इज वोल्टेज, वोल्ट में रहने वाला है, विच टाइप ऑफ वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज, हियर इट इज अगेन इन वोल्टेज बट दिस टाइम इट इज रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। आप एरो और आगे बढ़ा लीजिए। अब देखिए यहां पे जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, पहले छोटे छोटे वोल्टेजेस, यहां कोई वेरिएशन नहीं करंट का, फिर ये तेजी से एक निश्चित वोल्टेज के बाद खूब तेजी से इंक्रीमेंट होता चला जाता है स्ट्रेट, फिर ये एकदम स्ट्रेट रहने वाला है, ठीक है ना। और कहीं ऊपर जाके बहुत ज्यादा कहीं किसी करंट को अचीव करके ये सेचुरेट भी करता है, यानी एक निश्चित के बाद करंट कांस्टेंट भी आने लगती है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें रिवर्स में बनाना हो तो कैसे बनने वाला है, रिवर्स में पहले छोटी छोटी करंट बड़े बड़े वोल्टेजेस के लिए, फिर एक निश्चित वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज अचीव करने के बाद एकदम तेजी से ब्रेक डाउन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अवर ब्रेक डाउन वोल्टेज, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ बना लीजिए जहाँ से गिरना शुरू हुआ ये वाला, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, जहाँ से एकदम से बढ़ना शुरू हुआ, दिस वाज अवर नी वोल्टेज। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स, और डायनेमिक रेजिस्टेंस भी हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज
रेक्टिफायर्स, व्हाट आर रेक्टिफायर्स? सी द पीएन डायोड कैन बी यूज्ड एज अ डिवाइस कॉल्ड रेक्टिफायर. सो व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर देखिए अक्सर में हमको चाहिए क्या रहता है, अक्सर हमारे घरों में सप्लाई आती है अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन कुछ अप्लाइंस हमारे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं, डायरेक्ट करंट पे. तो हर बार हम डीसी सोर्स वाला अल्टरनेटर तो ला नहीं सकते. जैसे हम लोग एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर यूज करते थे, तो डीसी जनरेटर तो हर जगह हो नहीं सकता, हमारे घर में तो एसी आ रही है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स के पीएन डायोड को हम यूज कर सकते हैं एक रेक्टिफायर बनाने में. रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. याद रखिएगा रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना. कोई भी तरह से पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या रेक्टिफायर क्या करता है. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करेंट इंटू डायरेक्ट करेंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड द डिवाइस यूज फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफायर. ऑल राइट, सो हाउ इट कन्वर्ट्स? तो देर आर टू टाइप्स मेजरली जो अभी हम बेसिक पढ़ेंगे, ऐसे तो तीन टाइप के होते हैं लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, दो टाइप. पहला हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर. ठीक है, तो रेक्टिफायर का मतलब समझ में आ गया. अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है उसको समझ लेते हैं. प्रिंसिपल ठीक है, देखिए जब पीएन डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है, आपने सुना होगा, हमने पढ़ लिया है, जब पीएन डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है तो वो कंडक्ट करता है यानी फॉरवर्ड करंट देता है ना, और जब रिवर्स बायस में रहता है तो वो हाई रेजिस्टेंस लगा देता है और करंट नहीं देता है. फॉरवर्ड में कोई करंट नहीं रहती है या फिर कह लें कि एकदम नेग्लिजिबल करंट रहती है, वो भी रिवर्स में. ठीक है, तो ये जो यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, क्या है? यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ अ डायोड enables it to be used as a rectifier. मतलब AC एक बार देखिए, अभी मैं roughly आपको समझा दूं फिर हम fairly आएंगे. जरा rough एक diagram समझिए, इसको actual diagram मत समझिएगा. ये हो गया हमारा PN diode. यहां मैंने एक तरीका, यहां सप्लाई जो दिया है वो एसी सप्लाई दे दिया, एसी. यहां भी मैंने एसी सप्लाई दे दिया. पहले आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से चलती है, ऐसे. ठीक है, यहां पे ये होता है हमारा वोल्टेज और ये होता है टाइम, है ना, और यहां पे वोल्टेज और टाइम. जरा आप सोचिए, अभी मान लीजिए मैंने यहां से जीरो से यहां तक का होता है एक टू पाई, है ना, एक साइकिल, यानी जीरो से पाई तक में वोल्टेज की वैल्यू यहां से यहां तक पॉजिटिव है. पहले मैंने ये वाला अप्लाई किया इस पे, जीरो से पाई तक वाला. कुछ एक समय के लिए वोल्टेज पॉजिटिव वैल्यू बढ़ा होगा और पॉजिटिव घटा होगा, यानी ये जो टर्मिनल है, ये वाला पॉइंट, इधर से यहां पे ये हिस्सा पॉजिटिव रहा होगा एक क्वार्टर साइकिल के लिए, एक हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव रहा होगा, यानी यहां पे पॉजिटिव आया होगा पीएन डायोड के और यहां पे निगेटिव. और जब पी पे पॉजिटिव आता है तो फॉरवर्ड बायस जुड़ता है और एन पे निगेटिव आता है तो फॉरवर्ड बायस जुड़ता है, यानी इस हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस रहने वाला है. लेकिन अब अगर मान लीजिए इसी साइकिल में से मैंने ये वाला अभी कुछ समय के लिए ये वाली सप्लाई दे रखी है, दे क्या रखी है, थोड़ी देर बाद अपने आप ही ये सप्लाई वहां पहुंचेगी पीएन डायोड पे, तो ये सप्लाई पहुंचेगी पाई से टू पाई वाली, तो आप देखते हैं कि ये निगेटिव रहे, यानी इसके रिस्पेक्ट में, पीएन डायोड के रिस्पेक्ट में
ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, और ये निगेटिव पी से जब कनेक्ट हो गया तो ये कौन सा हो गया, रिवर्स बायस हो गया। यानी इसी को एक हाफ साइकिल के लिए इसने फॉरवर्ड बायस करंट दिया, एक हाफ साइकिल के इसने रिवर्स बायस दिया। यानी अगर हम इसी का आउटपुट बनाना चाहें तो कैसा नजर आएगा आउटपुट, कि आउटपुट यानी पीएन डायोड के इसके अक्रॉस, मान लीजिए यहाँ के अक्रॉस सप्लाई लेते हैं, इस लोड के अक्रॉस, आरएल के अक्रॉस, ठीक है, तो हम ये पाते हैं कि आउटपुट इसका केवल हमको ये मिल रहा है। अब अगर हमने ये सप्लाई फिर से दे दिया तीसरी बार में, इतने के लिए तो इसने कोई काम नहीं किया, केवल ये सप्लाई के लिए फिर से ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज मिल गया। यानी जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसकी साइकिल कैसी नजर आएगी, आउटपुट वोल्टेज में यानी पीएन डायोड के क्रॉस जो हम आउटपुट ले रहे होंगे यहाँ पे आरएल के क्रॉस, तो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव वाले के लिए तो हमको वोल्टेज मिला करेगा और नीचे वाले के लिए गायब हो जाया करेगा, उस टाइम में तो कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। यानी वोल्टेज तभी मिलेगा जब साइकिल पॉजिटिव होगी, यही प्रिंसिपल है रेक्टिफायर का। अब सबसे पहले जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी ये केवल हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा और आधे हाफ को छोड़ देगा। देखिए इसमें करते क्या है, देखिए घरों में सप्लाई कौन सी आती है, अल्टरनेटिंग करंट कितने वोल्ट, 220 वोल्ट है ना, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें अक्सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे काम करने के लिए छोटे वोल्टेजेस चाहिए, तो छोटे वोल्टेज को बनाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते थे हम लोग, एक ट्रांसफार्मर यूज करते थे। यानी एसी सप्लाई को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एसी सप्लाई आ रही है उसको छोटे वोल्टेज का बनाएंगे, छोटे वोल्टेज, देखिए एक ट्रांसफार्मर का सिंबल है ना, ये ट्रांसफार्मर कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग जरा बताइए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, कभी कभी हमें स्टेप बढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। अब इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हमारा ये ट्रांसफार्मर कभी भी एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, वो एसी इधर है तो अल्टरनेटिंग करंट इधर भी देगा। मैं सिंबल बना देता हूं, यहां पे अल्टरनेटिंग है, यहां पे भी अल्टरनेटिंग सप्लाई ही देगा, बट दिस टाइम द वोल्टेज लेवल विल बी रिड्यूस्ड। यहां अगर 220 वोल्ट था तो यहां पे वो हो सकता है 12 वोल्ट ही दे रहा हो, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसको एक पीएन डायोड से जोड़ना है, पीएन डायोड को मैंने यहां पे ऐसे जोड़ दिया, ये पीएन, और इसके आउटपुट में हमें सप्लाई लेनी है, यानी आउटपुट नापना है, तो आउटपुट नापने के लिए मैंने एक लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा दिया, ठीक है, और यहां पे इसको ऐसे जोड़ दिया। ये सिंपल सा डायग्राम है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। देखिए जब हम एक इनपुट की बात करें, इनपुट यहां से, अब यहां से कोई मतलब नहीं, इसका काम अपना खत्म हो गया, इसने वोल्टेज को कम कर दिया, यहां से इनपुट की बात करें तो इनपुट इस तरह का कुछ होने वाला है, सप्लाई ऐसे ऐसे ऐसे, यानी पीक टू पीक वोल्टेज, ये मैक्सिमम कितना जा रहा है वोल्टेज, ये टाइम के साथ है ना, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट किसी एक साइड, इधर कितनी है -12 वोल्ट, ये कहाँ पे है, यहाँ पे। यानी एक बार एक हाफ साइकिल, मान लीजिए मैंने फर्स्ट वाले हाफ साइकिल ये है, सेकेंड इसको कहा, थर्ड इसको कहा, फोर्थ साइकिल ये हो गया। अब ये करने क्या वाला है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सबसे पहले यहां से यहां तक वाला ये वाला सप्लाई, जब ये वाली साइकिल होगी यहां से यहां तक की, तो ये वाला टर्मिनल हमारा पॉजिटिव होगा और ये वाला टर्मिनल हमारा रिस्पेक्टिवली निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, किस साइकिल के लिए, इस साइकिल के लिए। अब क्या होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये पी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आया, तो ये हमको क्या देने वाला है, फॉरवर्ड बायस देने वाला है, ठीक है, ये हमको फॉरवर्ड बायस देने वाला है ये वाला साइकिल, ठीक है। फॉरवर्ड बायस के लिए मैं आउटपुट वाला भी साथ में बनाता चल रहा हूं, टी वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस के लिए
ये डायोड काम करेगा, वर्क करेगा और पूरे पूरे वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज होगा, 12 वोल्ट यहाँ पे है तो 12 वोल्ट की सप्लाई वो यहाँ पे पूरी पूरी पता चलेगी, यानी इसके इसके अक्रॉस जब वोल्टेज नापेंगे तो फुल 12 वोल्ट वो देगा, ठीक है। लेकिन अब दूसरी साइकिल अप्लाई हुई, दूसरी साइकिल अप्लाई होती है तो ये वाली साइकिल है ब्लैक से जिसको मैंने किया, ब्लैक वाले के लिए अब ये निगेटिव हो गया क्योंकि उल्टा है ना, ये साइकिल बदल गई तो ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन गया। अब ये इसने क्या किया, ये निगेटिव जब ऊपर हुआ तो इसने रिवर्स बायस कर दिया पी को, तो यानी यहाँ पे कोई भी कंडक्शन नहीं होगा उतने साइकिल के लिए, यहाँ से यहाँ तक ये ब्लैंक चला गया, आउटपुट पे जीरो। फिर उसके बाद अगली सप्लाई कौन सी आने वाली है, ये वाली, इस साइकिल के लिए ये फिर से फॉरवर्ड बना और ये फिर से रिवर्स बना, ये प्लस और माइनस, तो यानी यहाँ से अब आउटपुट आना शुरू हुआ ये ऐसा, और इस तरह की साइकिल गैप कर करके हर बार इनपुट ऐसा आउटपुट ऐसा। अब जरा आउटपुट पे फोकस करिए, किसी भी समय आउटपुट हमेशा प्लस वी वोल्टेज है, जो भी वोल्टेज होगा प्लस में होगा, निगेटिव वाला कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है। जहां पे निगेटिव नहीं होता वहां पे कौन सा होता है, वो एक डायरेक्ट करंट होती है। अब आप कहेंगे इसमें तो सर ये वेरिएशन हो रहा है वोल्टेज का, हाँ होता है, इसको कम करने के लिए लास्ट में इसके फिल्टर सर्किट इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर सर्किट का काम क्या होता है कि इस फ्लक्चुएशन को भी खत्म कर देना और हमें आउटपुट पे हमेशा एक ये डीसी का वोल्टेज मिलता है। अभी ये जिस टाइप का डीसी है इसको नाम देते हैं, चूंकि वेरिएशन है ना पल्सेस के फॉर्म में, पॉजिटिव 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 है, तो इसको कहते हैं एक पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। और ये एक वोल्टेज कैसा है, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। इनपुट कैसा था, इनपुट एसी था, एसी, और आउटपुट कैसा है, एक पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। तो रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर हमने देखा, इसकी वर्किंग जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही आपको लिखना है, इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और ये हो गया इसका फिगर। नेक्स्ट, अभी हम इसको लिख भी देते हैं कि ये क्या था, ये अपने आप में एक क्या है, ये पूरा ये असेंबली कहलाती है एक ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर, और ये पूरा एक इतने पोर्शन को कहेंगे, ये जो अलग से पूरा सर्किट आया पी एन डायोड हमने जोड़ा, इसको कहेंगे रेक्टिफायर हाफ वेव, क्योंकि ये हाफ वेव को ही पॉजिटिव में लेके आ रहा है इसलिए इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। थैंक यू।